प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने सरकार को घेरा है। समीरपुर में अपने निवास स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने सरकार द्वारा विधायकों और पूर्व विधायकों को कई बीघे जमीन पट्टे पर देने के निर्णय को गलत करार दिया है। धूमल ने कहा कि जो सरकार 5 साल में गरीब जनता को जमीन न देकर इस तरह के निर्णय ले रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। धूमल ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कई वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर जा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि सरकार गलत निर्णय लेने में डटी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का विधायकों और पूर्व विधायकों को पट्टे पर जमीन देने का निर्णय मजाक बन रहा है। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 4.5 सालों के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद में समय बिताया है, लेकिन अब अंतिम समय में इस तरह के निर्णय लेकर हाशिए का पात्र बन रही है। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कई वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी ले लेते हैं ताकि उनका गलत फाइल पे दस्तखत ना हो। हस्ताक्षर करने से भी अधिकारी बच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि निर्णय जो गलत होंगे उनका अंततः उनको ही सारा भुगतान करना पड़ेगा और उनको ही उसकी सजा मिलेगी। कुछ अधिकारी अति उत्साह में आकर आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन करा रहे हैं। हमने कहा है कि इनको इन कामों को पूरा करने के लिए फिर पैसा नहीं मिलेगा ना, अधिकारियों को अपनी जेब से ही वो पूरे करने पड़ेंगे जो आधे अधूरे भवन होंगे, आधे अधूरे काम होंगे। कल का एक और निर्णय जनता में आलोचना का विषय भी बनेगा और मजाक का भी। विधायकों और पूर्व विधायकों को कई बीघे जमीन देने की बात कही गई है, जबकि भूमिहीनों को जो इनके चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था कि जिसके पास मकान के लिए जगह नहीं है उसको 2 बिस्वा जमीन देंगे, 5 साल में गरीब को तो 2 बिस्वा जमीन नहीं दे सके और अब कई बीघा जमीन विधायकों को देकर विधायकों को भी अपमानित किया जा रहा है और एक गलत निर्णय गलत समय पर लेकर सरकार अपने आप को मजाक का विषय बना रही है। वहीं प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर स्थानीय जनता ने गहरा रोष प्रकट किया। जनता का कहना है कि सभी एमपी एमएलए को इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह जमीन के पट्टे पर दिए जाना बहुत ही गलत है। वहीं लोगों का कहना है कि हर तरह की सुविधा विधायकों को दी गई है, लेकिन फिर भी सरकार की इस तरह की मेहरबानी की जा रही है जो कि जनता के साथ धोखा है। लोगों का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने आज तक लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया है। गौशाला की जमीन के कागजात शिमला में काफी सालों से पड़े हैं, लेकिन आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विधायकों को जमीन दिए जाने का निर्णय बहुत ही गलत है। से गलत है। एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश में सब्सिडी खत्म करने की ओर अपना कदम आगे बढ़ाए हुए हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की बात है चाहे गैस की सब्सिडी की बात है, वहीं दूसरी ओर एमपी एमएलए मिनिस्टर्स को जो है वो जमीन पट्टे पे देने का जो प्रदेश सरकार का निर्णय है वो पूरी तरह गलत है। हमारा तो यहाँ तक मानना है कि जितने भी एमपी एमएलए हैं इनको भी इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। यहाँ संसद में देखा तो नहीं है परंतु इतना सुनने में आता है कि वहाँ पे जो खाना है वो 10 रुपए और 15 रुपए की थाली के हिसाब से मिलता है, या 100 रुपए की भी अगर थाली उनको मिलती है तो वो बहुत एक न्यूट्रिशियस थाली मिलती है, परंतु उसी थाली को अगर ओपन मार्केट में कंपेयर करें तो वो थाली 300 से 500 रुपए तक जाती है। तो इनको इतनी लग्जरी देने का क्या लॉजिक है जब इनका इस तरीके का कोई वर्किंग भी नहीं है। कई बार जैसे हिमाचल में एमपी एमएलए जो हैं वो स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं और पूरा पूरा सेशन जो है वो फालतू में निकल जाता है। तो हमारा तो ये मानना है कि ये प्रदेश सरकार का एक तरह से जो निर्णय है, चाहे किसी भी पार्टी के एमपी एमएलए हों वो सभी इसमें मिले हुए हैं, तो इस तरीके का निर्णय पूरी तरह से गलत निर्णय है। इसके बारे में सोचना यही है कि क्यों ना हम भी एक बार एमएलए बन जाएं, क्योंकि जिस तरह की फैसिलिटी एमएलए एमपीज के लिए है वो उतनी फैसिलिटी शायद ही किसी ब्यूरोक्रेट्स या बड़े बड़े ऑफिसर उनको भी नहीं है। एक बार आदमी अगर एमएलए बन जाता है तो उसको पेंशन, जो कि आप देखिए सरकारी इम्प्लाई जो 58 साल अपनी पूरी उम्र देता है सरकारी विभाग में, उसे पेंशन नहीं मिलती है। और एक जो एमएलए एक दिन के लिए भी अगर वो एमएलए बन जाता है वो ता उम्र अपनी पेंशन लेता है। तो जितने भी कानून होते हैं ये अपने हिसाब से बनाते हैं। जब अपने इंटरेस्ट की बात होती है तो सारा सदन सारे एमएलए इकट्ठे होकर उसे हामी भरते हैं, हाँ जी ठीक है हमारे लिए किया जाए, और जब जनहित की बात आती है तो ये सभी लोग पीछे हट जाते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो निर्णय लिया है प्रदेश सरकार ने, जिसमें
एमपीज और एमएलओं के लिए पट्टे पर जमीन मिलेगी, ये गलत है। अगर आपने जमीन पट्टे पे देनी है तो गरीब आदमी को दीजिए, उन लोगों को दीजिए जिनके पास घर नहीं है, उन लोगों को देने की जरूरत नहीं है जो पहले ही एक बड़े बड़े आलीशान मकानों बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि आज तीन प्रदेश सरकार अपने विधायकों को तीन बार भेजा उठाया और आज विधायकों के लिए भूखंड देने की बात इन्होंने स्वीकार की है कि हर विधायक को पूर्व विधायक को पांच पांच बीघा जमीन दी जाएगी। मुझे इस बात का दुख है कि आज तक सरकार ने किसी भी गौशाला के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई, इससे उल्ट अपने पूर्व विधायकों को और वर्तमान विधायकों को जो पट्टे पर जमीन देने का निर्णय लिया है उसका विरोध करते हैं। शास्त्री, ये जो निर्णय पेपर में आया है कि सभी विधायकों को जमीन दी जाएगी, कहीं तो किसी को 30 साल नौकरी करने पर भी पेंशन नहीं मिलेगी और कहीं विधायक ने शपथ ग्रहण कर ली तो उसको या उसके परिवार को पेंशन लग जाएगी, चाहे सरकार भंग हो जाए चाहे किसी की दुर्घटना मृत्यु हो जाए। एक तरफ तो 30 साल नौकरी करने पर भी पेंशन ही मिलेगी और एक तरफ एक दिन भी चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण कर ली तो उनको पेंशन की सुविधा है। दूसरी तरफ सभी विधायकों को सरकारी तौर से मुफ्त मिल रही है या सस्ते ब्याज पे मिल रही है या जैसे भी मिल रही है, ये निर्णय जो है वो बिल्कुल जनता को अच्छा नहीं लग रहा है। इससे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को हमने आम जनता ने चुन करके देश की भलाई के लिए भेजा तो वो देश की जनता की भलाई के बारे में बाद में और पहले अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। तो ये बात पूरी ऐसी तरह है कि जैसे जिस बाढ़ खेती को बाढ़ लगाई जाती है वही बाढ़ उस खेती को खा ले। तो ये जो निर्णय है विधायकों के या सरकार के अपने चुने हुए नुमाइंदों के प्रति ही, ये जनता से सरासर जो है वो धोखा है। इससे जनता का विश्वास जो है वो राजनेताओं से उठ रहा है और उनके प्रति रोष है, भारी रोष है।